ब्रेकिंग न्यूज, शराब घोटाले मामले में आज ईडी के कविता को कोर्ट में पेश करेगी। देखिए, कल हैदराबाद से ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया था। के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी है। शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। उससे पहले आम आदमी पार्टी के सूचना प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच देर रात हैदराबाद से दिल्ली लाई गई के कविता और हैदराबाद में गिरफ्तारी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे। देर रात दिल्ली लाई गई और अब उनसे पूछताछ इस मामले में आगे होने वाली है। सवाल जवाब का सिलसिला रहेगा। कल हैदराबाद से ईडी ने कविता को गिरफ्तार किया था कि कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और साथ ही साथ राज्यसभा सांसद संजय राउत की संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो हो चुकी है। और इससे पहले आम आदमी पार्टी के सूचना प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार इस मामले में किया जा चुका है। मैडम बानुप्रिया मीना से सर्च इज ओवर एंड अरेस्ट वारंट इज प्रोड्यूस्ड एंड नाउ शी सेज होल्ड ऑन होल्डिंग एंड नाउ शी सेज वी कांट कम इन, फैमिली कैनॉट कम इन एंड शी आल्सो सेज दैट शी हैज नो ट्रांजिट वारंट, शी कैनॉट प्रोड्यूस बिफोर मैजिस्ट्रेट बट शी वांट्स टू मेक अ केस। लिसन, यू हैव गिवन एन अंडरटेकिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड नाउ यू आर violating it, you are in serious trouble. दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी की जांच अब तक कई बड़े राजनेताओं तक पहुंच चुकी है। इस मामले में ईडी ने तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई है। ईडी की टीम ने हैदराबाद में के कविता के ठिकानों पर छापेमारी की और फिर गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान ईडी के अधिकारियों और बीआरएस नेताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इधर बीआरएस ने आज तेलंगाना बंद बुलाया है। तेलंगाना बीआरएस अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राजनीतिक हिसाब किताब बराबर करने के लिए सत्ता का संस्थागत दुरुपयोग पिछले 10 वर्षों में बीजेपी सरकार में आम हो गया है। जब मामले की 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा होनी थी तो ईडी ने गिरफ्तारी में इतनी जल्दीबाजी क्यों की? इसका जवाब ईडी को सुप्रीम कोर्ट में देना ही पड़ेगा। इससे भी भयावह बात यह है कि ईडी सुप्रीम कोर्ट को दिए गए अपने ही वादे को कमजोर कर रहा है। न्याय होगा और हम कानूनी रूप से लड़ना जारी रखेंगे। के कविता की गिरफ्तारी को बीआरएस सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है, लेकिन इस बीच उस पर सियासी महाभारत भी जारी है। कांग्रेस ने के कविता की गिरफ्तारी को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे वो आज इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान के नहीं है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही है। आज नहीं तो कल एक्स मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी जो कि एमएलसी है वो तो अरेस्ट होना ही था, क्योंकि ये मोदी काल है और मोदी काल में कोई भी करप्शन करने वाला बच नहीं सकता। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के बाद ये तीसरी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी है। की कविता से शराब घोटाले केस में ईडी ने पहले कई बार पूछताछ की थी। 2023 में ईडी 3 बार पूछताछ कर चुकी थी और इस साल पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का हवाला देकर के कविता पेश नहीं हुई थी। तो के कविता की गिरफ्तारी ऐसे समय में हुई है जब कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। के कविता पर दिल्ली आबकारी घोटाले में आरोप है कि वो साउथ लॉबी का हिस्सा थी। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में अब तक तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और वो जेल में हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया और संजय सिंह शामिल हैं और अब इस लिस्ट में के कविता का नाम भी जुड़ गया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में ईडी ने दावा किया था कि के कविता शराब कारोबारियों की लॉबी साउथ ग्रुप से जुड़ी हुई थी और 2021-22 के लिए दिल्ली आबकारी नीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये नीति अब रद्द की जा चुकी है। आरोप है कि साउथ के इस ग्रुप को दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के बीच एक डील हुई थी, जिसमें इस ग्रुप ने आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए का पेमेंट भी किया था। जांच एजेंसियों के मुताबिक रामचंद्र पिल्लई ने कविता की तरफ से इस डील में प्रतिनिधि के तौर पर काम किया था। ईडी ने पिछले साल सितंबर से अब तक पिल्लई से कई बार पूछताछ की।
जांच एजेंसी का दावा है कि पिल्लई पूरे दिल्ली आबकारी घोटाले के प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि साउथ ग्रुप में शरत रेड्डी, मागुंटा, श्री निवासुलु रेड्डी की कविता मुख्य रूप से शामिल है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे का रुख कर लेते हैं। बलराम, देखिए गिरफ्तारी यहां पर की कविता की हो गई है, हालांकि लंबे समय से अनुमान लगाया जा रहा था कि गिरफ्तारी भी कभी कभी भी हो सकती है। दिल्ली में कई बार उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए, हैदराबाद में भी उनकी पूछताछ हुई, लेकिन अब जब गिरफ्तारी हो गई है तो क्या लगता है, बड़े राज उगलेगी के कविता? देखिए, आपको बता दें, जिस तरीके से ईडी ने के कविता को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उन्हें दिल्ली लाई है, आज उम्मीद है कि कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया जाएगा और ईडी उनकी रिमांड की डिमांड करेगी। और ईडी को जैसे ही उनकी रिमांड मिलती है, उसके बाद के कब्जा से ईडी पूछताछ करेगी और उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करेगी जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं। क्योंकि आप देखिए, जो अरुण पिल्लई है, उसने जब बयान दिया था ईडी को तो कई गंभीर आरोप लगाए थे, और साथ ही जो शराब कारोबारी है अमित अरोड़ा, उसने जब बयान दिया था तो कहा था कि जो साउथ लॉबी है उसके साथ एक कविता के संपर्क लगातार रहे हैं और वो उससे कनेक्ट रही हैं, और जो भी साउथ लॉबी का नाम आगे बढ़ता था वो के कविता के द्वारा ही जो आरोप लगी है वो आगे बढ़ाता था, और उसके बाद जो डील होती थी उसका जो मुनाफा होता था वो मोटी रकम के तौर पर के कविता लेने की बात करती थी। तो जो कनेक्शन है साउथ लॉबी का, उसको किस तरीके से ईडी इस्टेब्लिश करेगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ईडी 14 दिन की रिमांड ले सकती है, अब देखने वाली बात ये होगी कि वो कोर्ट से कितने दिनों की रिमांड मांगती है, 5 दिनों की या 7 दिनों की या 10 दिनों की, और कोर्ट उन्हें कितने दिनों की रिमांड देती है। क्योंकि रिमांड के दौरान चाहे वो अरुण पिल्लई के बयान हो, उनको भी के कविता के सामने रखे जाएंगे और उससे जुड़े हुए सवाल ईडी उनसे पूछेगी, ताकि जो कनेक्शन है उसे इस्टेब्लिश किया जाए कि किस तरीके से साउथ लॉबी इस न्यू लीकर पॉलिसी में इन्वॉल्व हुई और उसके बाद में जो पूरा स्कैम है वो किस तरीके से हुआ। क्योंकि आरोप ये भी लगाए गए हैं कि करीब 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। हालांकि ये जो लेन देन है वो क्यों हुआ है, ये भी जानने की बेहद जरूरी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो कमीशन बढ़ाया गया, 12% कमीशन किया गया, उसमें से ये कहा गया था कि जो 6% का कमीशन है वो कारोबारी रखेंगे और 6% का कमीशन उन्हें वापस करना होगा, और वो कमीशन आम आदमी पार्टी के पास आना बिल्कुल था। बलराम, इस खबर पर तो नजर लगातार है, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर पर, बड़ी तस्वीर पर नजर लगातार रहने वाली है। सीएम केजरीवाल को झटका लग ही चुका है। समन पर जो रोक लगाने की याचिका है वो तो खारिज हुई, आज कोर्ट पे पेश होने का आदेश है, क्या जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि जब पहली बार कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया था और कहा था कि वो कोर्ट के सामने पेश हो, और ईडी के समन पर वो क्यों नहीं हाजिर हो रहे हैं, क्यों नहीं ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, तो इस पर वो वर्चुअल कोर्ट के सामने पेश हुए थे और उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए कहा था कि बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में उन्हें सदन के अंदर रहना बेहद जरूरी है, इसीलिए कोर्ट ने उन्हें 16 मार्च को सुबह 10 बजे पेश होने के लिए कहा था। हालांकि आज 16 मार्च है, सुबह 10 बजे उन्हें पेश होना है, लेकिन इससे पहले उन्होंने सेशन कोर्ट का रुख किया था और चुनौती दी थी समन को लेकर के, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी अर्जी के जरिए राहत मांगने की कोशिश की थी कि आज वो कोर्ट में ना पेश हो, लेकिन सेशन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी और कहा कि जहां पर ट्रायल चल रहा है वो वहां पर जाएं, तो लिहाजा उन्हें कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, इसलिए उन्हें आज कोर्ट के सामने पेश होना होगा और बताना होगा कि आखिरकार ईडी के समन पर वो क्यों नहीं पेश हो रहे थे। और जिस तरीके से बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है, और उन्होंने आज समन का जवाब सिर्फ लिखित में दिया, एक बार भी वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, तो आज उन्हें कोर्ट के सामने पेश होकर के ये बताना होगा कि आखिरकार वो ईडी के समन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी के सामने उन्होंने क्यों नहीं पेश होकर के ईडी के सवालों का जवाब दिया। हालांकि उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले ही ये बयान जारी करके कहा था कि अगर ईडी चाहे तो उन्हें 12 मार्च के बाद
कोई तारीख बिल्कुल नजर यहाँ पर बलराम बनी रहेगी कि क्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे, क्या समन का जवाब वो देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट से मुख्यमंत्री केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। बिल्कुल, केजरीवाल की ओर से दाखिल पेशी से राहत वाली जो याचिका है राउस एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की और कहा है कि 16 मार्च को यानी आज पेश होना होगा। आबकारी घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सेशन कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार किया है। कोर्ट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेशी के लिए समन जारी किया था। ईडी अब तक केजरीवाल को 8 बार समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए, जिसे लेकर ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ 2 शिकायत कोर्ट में दायर की थी। एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने के लिए समन जारी किया था। कोर्ट के फैसले पर बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोला। अब आपको व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा और शराब नीति में जो घोटाला हुआ है, दिल्ली में जो लूट का खेल खेला गया है, उसमें आपको जवाब भी देना पड़ेगा और आपकी कितनी संलिप्तता है वो भी सामने आएगी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने दलील दी कि ये कोई गंभीर मामला नहीं है। अगर 16 मार्च को होने वाली सुनवाई में केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और शराब घोटाला मामले का जो मनी ट्रेल है, ग्राफिक्स के माध्यम से आइए डिटेल से आपको बताते हैं किस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम। ईडी का दावा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम से आपको 338 करोड़ हासिल हुए हैं, ये पहला कारण है शराब घोटाले के मनी ट्रेल का। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात यहां पर रखी है। ईडी का ये जो बड़ा दावा, ये जो बड़ा कारण हम आपको बता रहे हैं जिसकी वजह से ये तो तमाम ये जो कार्रवाई यहां पर हो रही है, हैदराबाद में देखिए रेड पड़ी, उसके बाद गिरफ्तारी हुई कि कविता की शराब माफिया ने आम आदमी पार्टी को 338 करोड़ दिए, ये भी ईडी बड़ा दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी के संरक्षक अरविंद केजरीवाल है और ऐसे में देखिए किस तरह से लगातार एक के बाद एक नाम यहां पर सामने आ रहे हैं और इसलिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए, ईडी का ये मानना है। तो घोटाले के आरोपी और केजरीवाल के बीच बातचीत हुई है। शराब घोटाले के मनी ट्रेल की डिटेल्स आपके सामने जी न्यूज फ्लैश करें। घोटाले के आरोपी और केजरीवाल के बीच बातचीत हुई है फेस टाइम ऐप माध्यम से, दोनों के बीच में बातचीत हुई है, ये भी जानकारियां सारी मिल रही हैं। विजय नायर ने दोनों की जो है बात आपस में करवाई है और इसीलिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी ही चाहिए, ये ईडी का दावा है। देखिए, विजय नायर की गिरफ्तारी हुई, फिर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब के कविता, नई आबकारी नीति पर केजरीवाल के घर पर भी बैठक हुई है। ईडी का यह भी मानना है, एक बड़ा दावा ईडी का, नई आबकारी नीति पर कैबिनेट की बैठक भी हुई, ये भी यहां पर कहा जा रहा है। तो ये कई अलग अलग बड़े कारण हम आपको बता रहे हैं। बैठक अरविंद केजरीवाल ने बुलाई थी, ये बड़ी बात यहां पर ईडी की तरफ से कही गई और इसलिए अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए, ईडी का ये मानना। तो शराब घोटाले के मनी ट्रेल की डिटेल्स आपके सामने। मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव सी अरविंद ने भी कई सारे अहम खुलासे कर दिए हैं। ईडी का जो दावा है उनमें से एक ये भी है, पहले आबकारी नीति में 6% का मार्जिन प्रॉफिट था और फिर अरविंद केजरीवाल की मंजूरी से ये 6 से बढ़कर 12% कर दिया गया। तो इस पूरे मामले में शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की किस तरह से भूमिका रही है, ये ईडी का मानना है और इस तरह से ये तमाम अलग अलग कारण ईडी की तरह से बताए गए हैं। अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी चाहिए, लगातार ईडी ये कह रही है। अब देखना यह है कि क्या पूछताछ के लिए सामने आते हैं अरविंद केजरीवाल। तो दिल्ली सरकार नई आबकारी नीति नवंबर 2020 में लागू की थी, लेकिन गड़बड़ियों का आरोप भी इस बीच लगा। देखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और उसके बाद ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। ईडी और सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में गड़बड़ियां की गई, लाइसेंस के लिए रिश्वत देने वाले कुछ डीलरों को नियमों में छूट दी गई, जांच के साथ गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ, कई शराब कारोबारियों के साथ बड़े नेताओं को अरेस्ट किया। सीबीआई ने पहली बार 17 अक्टूबर 2022 को पहली बार मनीष सिसोदिया से पूछताछ की और 25 नवंबर 2022 को पहली चार्जशीट दाखिल की जिसमें सिसोदिया का नाम शामिल नहीं था। 30 नवंबर 2022 को ईडी ने इस घोटाले में तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को आरोपी बनाया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने एक बार फिर मनीष सिसोदिया से घंटों पूछताछ की और उनकी गिरफ्तारी की। इस मामले में 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह के सरकारी आवास पर छापा मारा और 10 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया।
15 अप्रैल 2024 को के कविता को ईडी ने गिरफ्तार किया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी चार्जशीट में आरोपियों की संख्या 25 हो चुकी है। Zee News.